फ्रेंड्स, आज हम लोग डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए चावल का माप है एक ग्लास चावल, चावल का रेशियो रहता है तीन ग्लास चावल और एक ग्लास उड़द की दाल। एक ग्लास मैंने डाल दिया है दूसरा, और ये रहा तीसरा। तीन ग्लास चावल के लिए एक ग्लास उड़द हम लोग को लेना है। उड़द की दाल मार्केट में इजीली में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि डोसा मेरे यहाँ ज्यादा बनेगा इसीलिए मैं दो माप लेती हूँ। एक तीन ग्लास ले ली, फिर एक दूसरा तीन ग्लास लूंगी। एक दो और ये रहा तीन। तीन दो तीन हो गया, इसलिए दो दो उड़द की दाल लेंगे। ये रहा दो ग्लास उड़द की दाल। इन सबको अब मैं अच्छे से साफ से धोऊंगी। अब इस चावल को मैं धो रही हूँ साफ से, सारा साफ सुथरा कर देंगे इसको अच्छे से। दो तीन पानी से रगड़ रगड़ के मैं धो दूंगी ताकि सारी गंदगी चावल से निकल जाए, क्योंकि इसे मुझे पीसना है। दोनों मेरे उड़द की दाल और चावल धुल गए हैं। अब इसको मैं चार घंटे फूलने के लिए छोड़ती हूँ, और फूलने के बाद इसे मुझे पीसना है। अब हमारे दाल फूल कर ऐसे हो गए हैं, उड़द की दाल ऐसा और चावल ऐसा। अब इन दोनों को मैं बारी बारी से पीसती हूँ। थोड़ा पानी भी साथ में लूंगी ताकि नरम होकर के अच्छे से पिसा जाए। बारीक पीसती हूँ मैं, देखिए। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। मैं चावल को पीस लेती हूँ। देखिए चावल भी बारीक पीस गया है। मुझे चावल और उड़द दोनों अलग अलग पीसना है, क्योंकि दोनों का पीसने का कंसिस्टेंसी दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों को मुझे बारीक पीसना है। इस तरह से बारीक हो गया है और चावल दोनों पीस करके इस तरह से हो गया है। ये बैटर थोड़ा ढीला मैं रखी हूँ, बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है, बट इसको फर्मेंटेशन के लिए हम लोग लगभग चार घंटे छोड़ देते हैं। चार से छह घंटे फर्मेंट होने के बाद ही अच्छे से मेरा उतरेगा। अभी मैं डोसा के लिए फिलिंग बनाने जा रही हूँ। फिलिंग बनाने के लिए मैंने लगभग एक किलो आलू लिया है, क्योंकि मेरे पास डोसा बहुत सारा है, इसलिए मैंने एक किलो आलू लिया। आलू को मैंने बॉयल कर दिया है, बॉयल करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। उसके बाद से फिर तीन बड़े प्याज मैंने लिए, इनको बारीक काट दिया है। और उसके बाद से 10-12 हरी मिर्च है, इनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। ये यहाँ आपको करी पत्ता है, करी पत्ता छो के लिए मैं ली हूँ, तीन चार करी पत्ते हैं। और एक टीस्पून है राई, इससे मैं छो डालूंगी। राई गरम कर दिया है, कढ़ाई में मैं दो बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल लगभग मैं गरम कर रही हूँ, मेरा तेल लगभग गरम हो गया है। उसमें मैं एक बड़े चम्मच जो मैंने राई ले रखा था उसमें छौंक डाल रही हूँ। ये देखिए, अभी इसको पटपट होने का मैं इंतजार करूंगी। ये मेरा राई लगभग रेडी है करके, अब इसमें मैं प्याज डालती हूँ। पहले करी पत्ते डालती हूँ, ये डाल दे रही हूँ। हरी मिर्च मैं दो मिनट बाद डालूंगी, क्योंकि इसका कलर खराब हो जाएगा। फिर एक
करके ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। अभी मुझे और भी फ्राई करना है, लगभग गोल्डन हो जाए। अभी और भी फ्राई करना है। हो गया है मेरा प्याज, इसमें मैं अब सारे हरी मिर्ची कटे हुए डाल दूंगी। पहले डालने से इसका कलर खराब हो जाता है मिर्ची का, इसलिए मैं बाद में डाली हूँ। थोड़ा और इसको फ्राई करूंगी, इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। प्याज लगभग पूरा ही गोल्डन हो गया है। अब मैं सारे कटे हुए पीसेस वाले आलू डाल दूंगी इसमें सारे मिलकर। इसके बाद इसे मैं नमक ऐड करूंगी। डेढ़ बड़ा चम्मच डाल दूंगी। अभी इसको मैं गोल्डन होने तक भून दूंगी। इसमें मैं दो छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी और थोड़ा सा सांबर मसाला डालूंगी ताकि टेस्ट अच्छा आए इसमें। अब इसको मैं चला दूंगी। ये मेरा फिलिंग रेडी हो गया है। मेरा डो फर्मेंट होकर के अब रेडी हो गया है डोसा बनाने के लिए। अब मैं डोसा बनाने के लिए पैन गरम कर रही हूँ। पैन में एक बड़ा कटोरी मैं डोसा डाल रही हूँ और एक छोटी कटोरी से इसको मैं ऐसे ऐसे करके फैला दूंगी। हल्के हाथ से पुश नहीं करना है, पुश करने से खराब हो जाएगा। देखिए डोसा लगभग पकने को है, किनारा छोड़ रहा है। इसमें एक स्पून छोटा स्पून मैं तेल डालती हूँ और इस पे से मैं फिलिंग बनाई थी, फिलिंग डाल रही हूँ। मैंने फिलिंग बनाने का तरीका आपको बताया था आलू से। अब ये रेडी हो गया। देखिए क्रिस्पी डोसा मेरा तैयार हो गया है। और ये मैंने सांभर चटनी, चने दाल की चटनी, नारियल की चटनी और मूंगफली की चटनी सब मैंने प्रीवियस वीडियो पर डाल दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं।